हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट स्थित पीसी ज्वेलर्स वाली बिल्डिंग में आज सुबह आग लग गई। ये आग ज्वेलर शोरूम के नीचे बेसमेंट में बने फर्नीचर शोरूम में लगी है। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें कि आग काफी भीषण थी और आग को काबू करने में कई घंटे लग गए। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 5-6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। इस आग की घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 मंजिला ज्वेलर्स शोरूम स्थित है और बेसमेंट व दूसरे फ्लोर पर फर्नीचर का शोरूम है। बेसमेंट में आग लगी होने के कारण दमकल विभाग को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकल विभाग के कर्मियों ने बेसमेंट की ग्रिल को काटकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस पर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो दमकल विभाग के कर्मी ऑक्सीजन मास्क लाकर बेसमेंट में उतरे। आखिरकार करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग कर्मियों ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। 10:06 में हमारे को कॉल मिली है, उसी टाइम हमने पहली गाड़ी टर्न आउट कर दी। उसके बाद मैसेज मिला कि गाड़ी मतलब फायर बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद हमने दूसरी टर्न आउट कर दी। दूसरी टर्न आउट के बाद फिर हमने पता चला कि और मेजर फायर है, हमने तीसरी टर्न आउट कर दी। उसके साथ में खुद डिप्टी फायर अफसर देवी प्रसन्न साथ में आया, हमने आके यहाँ का मुआवजा किया तो देखा कि बेसमेंट के अंदर काफ़ी धुआं था। धुएं के होने के कारण अंदर कर्मचारी नहीं जा सके, फायर फाइटर नहीं जा सके, जिससे इतना डिले हुआ है। और हमने इनको बाहर से जाली तोड़कर वहाँ से पानी मारना शुरू किया है। धीरे धीरे धुएं को हमने एग्जॉस्ट ब्लोअर लगाकर धुएं को बाहर निकाला है। उसके बाद हमने बीएस हेड लगाकर अंदर सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन में हमने पता लगा कि आउटर एरिया में कोई फायर नहीं है। फायर अंदर ये 60 फुट के लगभग है। अंदर जाकर एक कैबिन है, कैबिन के अंदर फायर मिली है। उसके बाद दोबारा फिर हमें एक ब्रांच लेकर फायर की पानी की ब्रांच साथ में लेकर हम अंदर गए हैं। उसके साथ एक दूसरा फायरमैन भी बीएसएट लगाकर दोनों अंदर गए हैं। वहाँ जाने के बाद हमने उस पे फायर पे पानी से के साथ बुछार की है और उससे एक बारी तो फायर इस टाइम बिल्कुल बुझ चुकी है, लेकिन दोबारा फिर इसका मौका मुआयना किया जा रहा है। उसके बाद पता चलेगा फाइनल भी आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है या नहीं है, क्योंकि अभी बेसमेंट के अंदर काफ़ी धुआं है, अंदर जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बीएसएट हमारे पास 8 थे, जिनमें से सभी लग चुके हैं। अभी हमारे पास बीएसएट 1 ही खाली बचा है, जिससे हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। सर ये बताइए, टोटल कितनी गाड़ी आई, टोटल कितना स्टाफ था, अंदर क्या जला है? चार गाड़ी, इसके अंदर फर्नीचर है, फर्नीचर का स्टोर था, ये फर्नीचर का टोटली सामान इसके अंदर है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जैसा हमने मालूम होता है अंदर जाके हमने सर्च किया है। तीन गाड़ियाँ हमने बरवाड़ा रोड से फायर स्टेशन से टर्न आउट की हैं, एक गाड़ी हमने मार्केट कमेटी हिसार से मंगवाई है, एक गाड़ी हमारा जो सब स्टेशन है वो आज़ाद नगर के अंदर, वहाँ से गाड़ी आई है विद स्टाफ आया है। और हम साथ में 2 गाड़ी, उसके बाद हमने देखा कि मेजर फायर है, हमने दूसरी गाड़ी फिर बुलाई है और हम साथ में रेस्क्यू टेंडर हमारे साथ लेकर आए हैं, जिससे इसके अंदर दुकान निकालने के लिए, लाइट्स वगैरह के लिए, कटर वगैरह के लिए जो इसके अंदर इक्विपमेंट होता है वो हम यूज करने के लिए हमने ये रेस्क्यू टेंडर हमने बुलाया। कितने घंटे लग गए, कितने बजे आग लगी थी? अमूमन अब 10 बजे के करीब ही आग लगी है, अब टाइम 1 बजे के करीब हो चुका है, लेकिन आग अभी अंडर कंट्रोल है। सर्च के बाद पता लगेगा कि आग पूर्ण रूप से बुझ चुकी है या नहीं है, अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कारण का अभी क्या कारण का अभी मालूम नहीं लग रहा है। आग बुझने के बाद फिर कारण का देखा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट है या कोई और दूसरा कारण हो सकता है, वो बाद में सर्च के बाद पता लगेगा। नुकसान का आकलन भी है? आकलन अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि धुआं काफ़ी अंदर है, अंदर से कुछ भी सामान नजर नहीं आ रहा है, लाइट्स भी काम नहीं कर रही है, लाइट से भी काफ़ी मतलब पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रहा, धुंधला नजर आ रहा है, कुछ दूरी पर ही नजर आ रहा है लाइट से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.